बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टर्न मीडिया में। मैं हूँ राज रॉब, दिख रहा है स्टर्न मीडिया यूट्यूब चैनल। वैसे छात्र छात्रा जो इंटर की परीक्षा इस साल पास किए हो या पहले पास किए हो, अभी आपको ग्रेजुएशन में बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने का मन है, तो ग्रेजुएशन अब 4 साल का हो गया हुआ है। खैर, चौथा साल जो है ऑप्शनल है, सबको 4 साल नहीं करना है। वैसे स्टूडेंट जो अभी पीएससी, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या वैसे कम्पिटेटिव एग्जाम जो कि स्नातक ग्रेजुएशन करने के बाद आप उसमें बैठने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, तो ग्रेजुएशन का डिग्री जो है कि आपको 3 साल में ही मिल जाएगा। चौथा साल उसको करना है जो रिसर्च वगैरह करना चाहते हैं, पीएचडी लेक्चरर प्रोफेसर बनना चाहते हैं या टीचर वगैरह जो बनना चाहते हैं वो। बाकी कंपटीशन की तैयारी करने वाले छात्र छात्रा या वैसी वैकेंसीज हम कहें जहां पर ग्रेजुएशन सिर्फ डिमांड की जाती है, वहां पर आप 3 साल में कंप्लीट करके 3 साल में आपको ग्रेजुएशन का डिग्री दे दिया जाएगा। 1 साल कीजिएगा, इसमें 4 साल वाला में सिस्टम है कि अगर 1 साल में ही छोड़ना चाहते हैं तो 1 साल में भी आप छोड़ सकते हैं, आपको अंडर ग्रेजुएट का डिग्री मिलेगा 1 साल करके छोड़ देते हैं। तो 2 साल में आप करके छोड़ते हैं तो आपको जो है कि एक डिप्लोमा का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। 3 साल में आप जो कि करके छोड़ देते हैं तो ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट मिलेगा। बस ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट मिला, कंपटीशन वाली कोई भी परीक्षा के लिए फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो गए यदि उसमें दिया हुआ है एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन। तो 4th साल प्रोफेसर लेक्चर के लिए है। अब बात ये कि जो 4 साल वाला ग्रेजुएशन आई है, सेमेस्टर सिस्टम है, एडमिशन के लिए ऑनलाइन करते समय यदि आपने ये चॉइस किया है कि हमको बीएससी करना है या बीकॉम करना है, दोनों सब्जेक्ट के लिए, इसमें हम आपको बताएंगे। बीए करना है तो बीए के लिए एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी चैनल पर बन चुकी है, ये वाला थंबनेल है, डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। यदि आपको बीए करना है तो उस वीडियो को जाकर के देखिए, उसमें पूरा डिटेल में समझाया गया है तमाम स्टूडेंट। इसमें सिर्फ हम बीएससी और बीकॉम जो भी छात्र छात्राएं करना चाहते हैं उसके लिए हम बात करेंगे। तो देखिए, पहले जो था आपका ऑनर्स, 2 पेपर, 2 सब्सिडियरी पेपर और 1 MIL में आप कोई भी लैंग्वेज, आप चाहे तो 50-50 नंबर वाला या 100 नंबर वाला हिंदी लेकर के आप ग्रेजुएशन करते थे, 500 नंबर का होता था। लेकिन अब 6 पेपर आपको जो है कि 6 अलग अलग सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे तमाम स्टूडेंट। अब देख पा रहे हैं, ये साइंस के लिए मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा है, यहाँ पर कॉमर्स के लिए लिखा है। साइंस में मैथ छोड़कर बाकी सब में लगभग प्रैक्टिकल होता है, तो यदि आप साइंस चूज कीजिएगा। अब देख पा रहे हैं, पहले मैं पेपर के नाम समझा दूं, उसके बाद से फिर हम और भी चीजें डिटेल्स में समझेंगे। तो आप जब बीएससी या बीकॉम में एडमिशन के लिए ऑनलाइन जब करेंगे पोर्टल पर, तो ऑनलाइन करते समय 24 से 28 में बिहार के लगभग विश्वविद्यालय में ऑनलाइन एडमिशन के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो जब आवेदन किया जाता है ऑनलाइन, तो तमाम स्टूडेंट वहां पर एक सब्जेक्ट ही पूछा जाता है। कुछ विश्वविद्यालय होगी जो ऑल सब्जेक्ट पूछेगी, कौन कौन सब्जेक्ट आप चूज करना चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर यूनिवर्सिटी में अभी ये हो रहा है कि एक सब्जेक्ट बता दीजिए, फिर मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। जब मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, नाम आने के बाद जब कॉलेज मिल जाएगा तो कॉलेज में एडमिशन के लिए जाइएगा, तो कॉलेज में जाकर के एडमिशन करवाइएगा, तो वहां पर एडमिशन फॉर्म भरिएगा, उसमें जो है कि आपको सब सब्जेक्ट बताना है। तो सिर्फ ऑनलाइन करते समय सबसे पहले आपको कोई एक सब्जेक्ट जो आपका मेन सब्जेक्ट रहेगा वो बताना है, बाकी कॉलेज में चूज करना है। तो चलिए हम पेपर के नाम समझते हैं। अब जो है आपको फर्स्ट सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, सेकेंड सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट, ऐसे ही आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ और एट तक 8 सेमेस्टर है। अब देखिए जो सब्जेक्ट का नाम है वो किस तरीके से है, एमजेसी है। एमजेसी जो है आप मान के चलिए ऑनर्स सब्जेक्ट। फर्क ये है कि ऑनर्स 200 नंबर का होता था, यहाँ पर जो है किया 100 नंबर का होगा। हालांकि जो साइंस के स्टूडेंट है उसके लिए, देखिए कोई फिजिक्स बच्चा लेता है तो अब जो है फिजिक्स 100 नंबर थियोरी पढ़ना है और 100 नंबर प्रैक्टिकल, अब ऐसे हो जाएगा। तो देखिए ये मेन सब्जेक्ट है एमजेसी 1 मेजर, आप देख पा रहे कोर्स 1 यहाँ पर हो गया, एमआईसी माइनर कोर्स है, ऐसे पेपर का नाम अब रहेगा, एमआईसी रहेगा, एमजेसी, एमआईसी, देखिए 1 है, एमडीसी 1 मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स 1 यहाँ पर इसलिए है क्योंकि ये फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन की बात हो रही है। जैसे आप फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन आपका हो जाएगा, आप फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दीजिएगा, सेकेंड सेमेस्टर में जाइएगा तो जहां पर भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एमजेसी, एमआईसी, एमडीसी जो 1-1 है सब पर 2-2 हो जाएगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए हम अभी समझ रहे हैं, तो आप देख पा रहे हैं एमआईसी 1 है, एमडीसी 1 है, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स इसका पूरा नाम होता है, बीएससी वैल्यू एडेड कोर्स ये एक सब्जेक्ट रहेगा आपका, उसके बाद से एईसी 1 एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स,
ये आपका एक पेपर रहेगा। उसके बाद से SEC 1 आता है, स्किल इनहेंसमेंट कोर्स। तो अब याद रखिएगा, अब BSc या BCom करने जा रहे हैं या करेंगे तो इस तरीके से जो है कि आपको पेपर का नाम ऐसे याद रखना होगा, MJC, MIC, MDC, BSc, AEC और SEC आप देख पा रहे। तो ये हो गए पेपर के नाम। अब हम यहाँ पर समझते हैं कि आपको सब्जेक्ट कैसे कैसे चूज करना है, क्या कंडीशन है। तो सबसे पहले तो आपका मेजर सब्जेक्ट है, जो मेन सब्जेक्ट है वो, इसमें देखिए तमाम स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बोटनी, इलेक्ट्रॉनिक्स, साइंस के ये 6 सब्जेक्ट जिससे अभी SSC होती है आप देख पा रहे हैं। आमतौर पर लगभग यूनिवर्सिटी में एक आध पेपर और होगा तो वो अलग बात है, लेकिन हम मुख्य 6 पेपर की बात करेंगे। यदि इसमें से कोई एक सब्जेक्ट से आप BSc करना चाहते हैं, देखिए नीचे BCom वाले का है, ऊपर BSc वाले का है, तो आपको इसमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको लेना होगा। मान लेते हैं कि आपने फिजिक्स ले लिया MJC 1, फिजिक्स आपने चूज कर लिया। अब आपको MIC भी चूज करना है, तो ये आपका देख पा रहे 6 सब्जेक्ट है इसमें से, और यहाँ पर देखिएगा तो 6 सब्जेक्ट दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पर ये है कि यदि आप फिजिक्स ले लेते हैं MJC में तो फिर MIC में आप फिजिक्स नहीं ले सकते। यहाँ पर कंडीशन है कि MIC में फिजिक्स आप नहीं ले सकते हैं, फिजिक्स के अलावा बाकी जो सब्जेक्ट बच रहे हैं साइंस के, इसमें से कोई एक आप ले सकते हैं। अब देख पा रहे हैं कोई एक यहाँ पर आप ले सकते हैं। तो मान लेते हैं कि आपने फिजिक्स MJC में ले लिया और MIC में केमिस्ट्री ले लेते हैं, या मैथमेटिक्स, या जूलॉजी, बोटनी, या इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें से कोई ले सकते हैं। तो यहाँ पर 2 सब्जेक्ट का चुनाव ऐसे करना है कि इसमें जो होना चाहिए MJC में वो MIC में आप नहीं ले सकते हैं। अब देख पा रहे इसी में से कोई एक आपको MIC में लेना पड़ेगा। उसके बाद तमाम स्टूडेंट ये MDC है, देखिए यहाँ पर इसमें जो सब्जेक्ट चूज कीजिएगा बहुत दिमाग से, क्योंकि ये वाला MJC और MIC ये सब्जेक्ट बदलेगा नहीं, 8 सेमेस्टर तक ये सब्जेक्ट आपको ले करके चलना है MJC और MIC। यहाँ पर देखिएगा तो MDC, BSc, AEC, SEC इसमें जो है ना हर सेमेस्टर में बदल जाएगा। MDC में या तो आप चाहे तो बदल सकते हैं अपना लिए हुए सब्जेक्ट, नहीं तो वही रख करके पढ़ सकते हैं, लेकिन इधर रहेगा BSc, AEC, SEC ये वाला जो है कि हर सेमेस्टर में बदलेगा। पहले होता था कि पार्ट 1 में जो सब्सिडरी है वही पार्ट 2 में रहेगा, फिर पार्ट 3 में जा करके बदल जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब 4 साल वाले ग्रेजुएशन में हर सेमेस्टर में BSc भी बदलेगा, AEC भी बदलेगा और SEC भी बदलेगा। तो ये 3 सब्जेक्ट हमेशा बदलते रहेगा। ये जो MDC वाला है ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप चाहें तो MDC 1 जो आपने चूज कर लिया फर्स्ट सेमेस्टर में उसी को लेकर के आप पढ़ सकते हैं, या आप चाहे तो बदल सकते हैं, या आपके इच्छा के ऊपर होगा। लेकिन ये 2 सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में 2 चूज कर लिए तो वही रहेगा, फिर बाद में नहीं बदल सकता है, इसलिए ये चूज करते समय जरा ध्यान से चूज कीजिएगा। अच्छा, मैंने ये 2 साइंस वालों के लिए समझा दिया, यहाँ पर आने से पहले थोड़ा मैं कॉमर्स वालों के लिए भी समझा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद फिर दोनों आदमी को यदि नहीं समझाते हैं ये चीज़ें तो फिर यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाएगा। देखिए कॉमर्स में 3 सब्जेक्ट, इससे जो है कि आप ग्रेजुएशन करेंगे, जिसमें अकाउंटिंग है, मार्केटिंग है, एक है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आप देख पा रहे इसमें से कोई एक आपको मेजर सब्जेक्ट लेना होगा, मेन सब्जेक्ट लेना होगा आवेदन करते समय। मान लेते हैं कि आपने अकाउंटिंग ले लिया तो फिर आपको MIC भी चूज करना है, तो MIC चूज करते समय फिर से आप अकाउंटिंग नहीं ले सकते हैं। फिर यहाँ पर 2 सब्जेक्ट बचेगा, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इस दोनों में से कोई एक आपको लेना होगा। यदि आप चाहें तो मार्केटिंग एज ए मेन सब्जेक्ट आप रखते हैं, मेजर सब्जेक्ट, तो फिर मार्केटिंग जो है कि आपको माइनर सब्जेक्ट में आप नहीं रख सकते हैं। फिर आपको अकाउंटिंग या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मतलब यह है कि जो इसमें रख सकते हैं वो इसमें नहीं रख सकते हैं, ये तो तय है, लेकिन इसमें भी अपने सब्जेक्ट के अंडर ही चूज करेंगे, बाहर जाकर कुछ नहीं ले सकते हैं, कंडीशन है। तो आप देख पा रहे यहाँ पर ये हो गए। अब देखिए MDC में चाहे साइंस वाले स्टूडेंट हो या कॉमर्स वाले स्टूडेंट हो, ठीक, 1 से लेकर के ये 21 तक सब्जेक्ट है, आर्ट्स का सारा सब्जेक्ट है, इसमें से कोई एक पेपर साइंस वाले, कॉमर्स वाले, MDC में आप लोग ले सकते हैं, इसमें से कोई पेपर लेकर के आप पढ़ सकते हैं, एकदम आजाद है।
लेकिन पाबंदी कहां पर है? यहां पर है तमाम स्टूडेंट, यहां पर। इसमें से कोई पसंद आ गया तो फिर इनने का तो कोई बातें नहीं है, लेकिन इसमें से कोई पसंद नहीं आया तब देखिए यहां पर एमडीसी, देखिए मैंने यहां पर घेर दिया है, ये एक अलग मामला है एमआईसी का, और एमडीसी वाला जो है ना ये पूरा जो है इसका एक अलग पार्ट, एमडीसी का ही ये पूरा पार्ट है। सब्जेक्ट ज्यादा था, जगह कम था, इसलिए मैंने ऐसा किया है। अब देख पा रहे इसमें से कोई पसंद, एक वो पसंद आ गया तो बात खत्म, नहीं पसंद आया तो फिर देखिए, यदि आप चाहते हैं हम अकाउंटिंग, देख पा रहे अकाउंटिंग, मार्केटिंग या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट लेकर के एमडीसी में पढ़े तो ये कौन लेगा? इसमें से कोई एक आपका एज ए मेजर सब्जेक्ट होगा, तब जा करके आप अकाउंटिंग मार्केटिंग या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ले सकते हैं। कॉमर्स के स्टूडेंट एमडीसी में अकाउंटिंग मार्केटिंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं ले सकते हैं। आप देख पा रहे नीचे है आपके लिए, किसके लिए? कॉमर्स वालों के लिए। यह साइंस वालों के लिए है कि आप इसमें से कोई एक पसंद कीजिए, कॉमर्स वाले के लिए है, इस दोनों के लिए है। कंडीशन यहां पर यह है कि यहां पर सिर्फ ये साइंस वालों के लिए, अकाउंटिंग मार्केटिंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसमें से कोई मेजर सब्जेक्ट किसी का होगा तो इसमें से कोई वो एक लेगा। ऐसा नहीं कि इसमें से भी ले लिए, इसमें से नहीं, सब एक के है, सब में से एक के वो लेना पड़ेगा। लेकिन हाँ ये है कि ये दोनों कॉमन है, दोनों के लिए, लेकिन यहां पर इसमें से कंडीशन है। अच्छा, आप अकाउंटिंग मार्केटिंग या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाले हैं, आपको जब बारी आई कॉमर्स वाले, आपकी बारी आई एमडीसी चूज करने की, तो आपके लिए भी वही चीज है कि ये 21 गो आर्ट्स का सब्जेक्ट है। इसमें से कोई पसंद आ गया तो नीचे देखना नहीं है, क्योंकि एक ही चूज करना है एमडीसी में। इसमें से कोई नहीं पसंद आया, आपको मन हुआ कि हम कॉमर्स वाले हैं, साइंस में जाकर के एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो आप देख पा रहे एमडीसी ओनली फॉर कॉमर्स, यानी जो कॉमर्स लिए हुआ है उनके लिए ही एमडीसी का ये सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स कॉमर्स वाले आप लेकर के पढ़ सकते हैं चाहे तो। उसके बाद एक सब्जेक्ट है फिजिक्स अराउंड अस, कॉमर्स वाले एमडीसी में आप चाहे तो ये लेकर पढ़ सकते हैं। एक है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोरो डाटा, आप चाहे तो कॉमर्स वाले ये आप लेके पढ़ सकते हैं, नहीं तो एक और सब्जेक्ट है कॉमर्स के लिए है एमडीसी में चूज करने के लिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हो जाएगा ये एंड होगा, यहाँ पर मिटा गया होगा, एंड फंडामेंटल्स ऑफ, ये एफ है तमाम स्टूडेंट, देख पा रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये अपने आप में एक इतना बड़ा सब्जेक्ट है। तो कॉमर्स वाले आप चाहे तो ये इसमें से कोई एक एज ए एमडीसी लेकर के पढ़ सकते हैं, और साइंस वाले आप चाहे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसमें से कोई एमडीसी लेकर पढ़ सकते हैं। यदि इसमें से दोनों आदमी कोई पसंद नहीं आया तो इसमें से कोई एक पसंद कर लीजिए, ये साइंस और कॉमर्स दोनों के लिए खुला हुआ है, ये आर्ट्स के तमाम सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पर कंडीशन है, उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर ये चुनाव हो गया, ये चुनाव हो जाने के बाद अब फिर आते हैं चौथा सब्जेक्ट में, आप देख पा रहे बी एस सी, ये एक सब्जेक्ट है एथिक्स एंड कल्चर, आप देख पा रहे उसके बाद से स्वच्छ भारत, उसके बाद से स्पोर्ट्स फॉर लाइफ, इधर आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, इधर कोई भी सब्जेक्ट हो भी एस सी में, इस तीनों में से कोई लेकर के पढ़ सकते हैं। यहाँ पर कोई बॉन्डिंग नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है कि हाँ साइंस वाले है तो ये नहीं ले सकते, कॉमर्स वाले है तो ये नहीं ले सकते, आप पूरा आजाद है, इसमें से कोई एक आपको लेना ही होगा, छोड़ भी नहीं सकते हैं, ये भी देख लीजिए। तो चार पेपर की बात हो गई, उसके बाद देखिए ए ई सी वन एम आई एल मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस, वर्तमान भारत में जितनी भी भाषाएं बोली जाती है वो सभी को एम आई एल में रखा जाता है, चूंकि हम लोग बिहार में हैं तो बिहार में आमतौर पर ये जो सात भाषाएं हैं अब देख पा रहे हैं ये थोड़ा बोल चल के जो कि भाषा में चला जाता है, अब तेलुगु तमिल कन्नड़ पंजाबी बंगाली गुजराती यहाँ लेके क्या करेंगे, उधर वाला अपना उधर का पढ़ेगा, हम लोग इधर हैं तो इधर का पढ़ेंगे। तो आप देख पा रहे हैं इसमें से कोई एक आपको ए ई सी के तर्ज पर आपको एक लेना ही होगा, छोड़ नहीं सकते हैं, यहाँ पर आपको लेना होगा, कोई एक अपने पसंद से ले लीजिएगा। उसके बाद से आप देखिए एस ए सी वन स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स, यहाँ पर थोड़ा कंडीशन है फिर से, आप देखिए यहाँ पर कॉमन भी है, यदि आप इसमें से कोई भी सब्जेक्ट लिए हुए हैं या इसमें से कोई भी सब्जेक्ट लिए हुए हैं तो देखिए क्रिएटिव राइटिंग, उसके बाद से कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, ये जो दो सब्जेक्ट है दोनों में से कोई एक साइंस वाले भी या कॉमर्स वाले भी
आराम से कोई एक चूज कर सकते हैं। ठीक, यदि इसमें से या इसमें से पसंद नहीं आया तो एक है बेसिक आईटी टूल्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। जैसे यहाँ पर आईटी लग गया, देख पा रहे हैं ये आ जाएगा, ये सिर्फ साइंस वालों के लिए है। एसईसी में बेसिक आईटी टूल्स वही ले सकता है जिसका मेजर सब्जेक्ट साइंस होगा, कॉमर्स वाला नहीं ले सकता है। कॉमर्स वाला चाहे तो ये ले सकता है, ये ले सकता है इसमें से, साइंस वाला भी चाहे तो ये इसमें से कोई रख सकता है, लेकिन उसको दोनों पसंद नहीं आ रहा है तो फिर वो ये ले सकता है। उसके बाद देखिए एक है डिजिटल मार्केटिंग ओनली फॉर कॉमर्स स्टूडेंट। फिर आपकी बारी आ गई, यदि किसी का मेजर सब्जेक्ट आप देख पा रहे हैं ये तीनों में से कोई एक उन्होंने चूज किया है और क्रिएटिव राइटिंग वो लेना चाहते हैं तो ले लेते हैं, ठीक है ले लीजिए। कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ ये लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, इनमें से कोई एक ही लेना है, लेकिन ये दोनों फिर पसंद नहीं आए कॉमर्स वाले तो आपके लिए एक डिजिटल मार्केटिंग का सब्जेक्ट है। डिजिटल मार्केटिंग आप एज ए एसईसी लेकर के आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें से भी कोई एक ही लेना है कंडीशन के अनुसार, उसमें से भी कोई लेना है एक, कोई कंडीशन नहीं है। इसमें से एक लेना है, कोई कंडीशन नहीं है। एमडीसी में कंडीशन ही कंडीशन है, एमआईसी में भी कंडीशन है, एमजेसी में भी कंडीशन है। इस तरीके से 6 सब्जेक्ट आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है तमाम स्टूडेंट। अब बताइए साइंस और कॉमर्स वाले आपको समझ में आया कि नहीं आया कि जो 4 साल वाला ग्रेजुएशन है सेमेस्टर सिस्टम न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत जो सब्जेक्ट चॉइस करना है, किन किन कंडीशनों के साथ करना है, कौन सब्जेक्ट हम ले सकते हैं कौन नहीं ले सकते हैं, सभी चीजें आपके सामने हैं। तमाम स्टूडेंट 4 साल वाला ग्रेजुएशन पर और भी तमाम जानकारी आपको समय समय पर दिया जाएगा, आप लोग चैनल से अपडेट रहिएगा। इसमें कुछ रह गया हो बताना या आपको लगता है कि और भी चीजें जाननी है 4 ईयर ग्रेजुएशन के बारे में तो अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, कमेंट में जवाब देने की हम कोशिश करेंगे या फिर जो है कि हम आपको उस पर वीडियो बना करके ही चैनल पर डाल देंगे ताकि फुल इंफॉर्मेशन के साथ आप उस चीज़ों को समझ पाए। इस वीडियो में इतना रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।